हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल। माय नेम इज़ चौधरी श्वेता, स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट ENP, चैप्टर 11, माय कंट्री। आज इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज देखेंगे। ये जो एक्सरसाइज है वो आपको कंपलसरी आपकी बुक में राइट डाउन करना है, इसके आंसर्स। तो पहले हम देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, इधर हमें ब्रैकेट्स दिए गए हैं, वंदे मातरम, पीकॉक, न्यू दिल्ली, अशोका चक्र, ये हमें चार ब्रैकेट्स दिए गए हैं। फर्स्ट, द ब्लैंक इज अवर नेशनल बर्ड, हमारे नेशनल बर्ड कौन सा है, आंसर क्या आएगा, पीकॉक। सेकेंड, ब्लैंक इज अवर नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम। थर्ड, द व्हील इन द फ्लैग्स इज कॉल्ड ब्लैंक, जो फ्लैग में व्हील होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अशोका चक्र। फोर्थ, ब्लैंक इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का कैपिटल कौन सा है, न्यू दिल्ली। वापस से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, पीकॉक। सेकंड का वंदे मातरम। थर्ड का अशोका चक्र। फोर्थ का न्यू दिल्ली। ठीक है, अब है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, तो पीकॉक क्या है, नेशनल बर्ड, तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको मैच कर देंगे। लोटस, लोटस क्या है, नेशनल फ्लावर। थर्ड, टाइगर क्या है, नेशनल एनिमल। जन गण मन क्या है, नेशनल एंथम। फिफ्थ, वंदे मातरम क्या है, नेशनल सॉन्ग। फर्स्ट का आंसर हम एक बार वापस से इसको क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, नेशनल बर्ड। सेकंड का आंसर हम क्या लिखेंगे, नेशनल फ्लावर। थर्ड का आंसर टाइगर क्या आएगा, नेशनल एनिमल। फोर्थ का जन गण मन वो क्या है, नेशनल एंथम। और फिफ्थ, वंदे मातरम क्या है, नेशनल सॉन्ग। इसका एक बार सारे आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसमें आपको आंसर देख के आपकी बुक में लिखना है। नेक्स्ट, करेक्ट द ऑप्शन, टेक करेक्ट द ऑप्शन। फर्स्ट, न्यू दिल्ली जयपुर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या आएगा, न्यू दिल्ली। सेकेंड, रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज अवर नेशनल सॉन्ग की नेशनल एंथम, क्या कंपोज किया था, नेशनल सॉन्ग की नेशनल एंथम, तो आंसर क्या आएगा, नेशनल एंथम। थर्ड, व्हाइट कलर इज द इंटरनेशनल फ्लैग स्टेन्स पीस की जस्टिस, आंसर क्या आएगा, पीस। आंसर हम क्या लिखेंगे, पीस। फोर्थ, वी शुड रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट अवर नेशनल सिंबल्स, आंसर हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्ट। आंसर हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्ट। एक बार वापस से हम रिवीजन देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या आएगा, न्यू दिल्ली। सेकंड में क्या आएगा, नेशनल एंथम। थर्ड में क्या आएगा, पीस। फोर्थ में क्या आएगा, रिस्पेक्ट। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्थ
फिर हमें क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, हु कंपोजेस अवर नेशनल एंथम, हु कंपोजेस अवर नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम किसने कंपोज किया था, रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज अवर नेशनल एंथम, किसने कंपोज किया था, रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज अवर नेशनल एंथम। सेकेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवर नेशनल एंथम, ठीक है, इधर क्या आएगा, एंड थम, और इधर भी आपको क्या लिखना है, ए एन टी एच ई, ए एन टी एच ई एम, एंथम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवर नेशनल एंथम, हमारे नेशनल एंथम का मीनिंग क्या है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम लायन कैपिटल ऑफ अशोका चक्र इन सरनाथ इन स्टूडेंट्स ऑफ वॉर वर्ल्ड पीस एंड गुडविल, ठीक है। थर्ड, व्हाट इज अवर नेशनल सॉन्ग, हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, अवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम। फोर्थ, व्हाट डज द ग्रीन कलर स्टैंड फॉर इन अवर नेशनल फ्लैग, व्हाट डज ए ग्रीन कलर स्टैंड इन अवर नेशनल फ्लैग, आंसर हम क्या लिखेंगे, ग्रीन कलर स्टैंड फॉर fertility, growth and subsistence, what is does green color stand in our national flag, answer hum kya likhenge, green color stand for fertility, growth and subsistence। fifth, where is satyamay jayate inscribed in our national album, it is inscribed in the devanagari script एट द बेस ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका, एक बार वापस से रिविजन कर देते हैं, फर्स्ट का रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज अवर नेशनल एंथम, सेकेंड का द नेशनल एंथम इज टेकन फ्रॉम द लायन ऑफ कैपिटल अशोका इन सरनाथ इट्स स्टूडेंट्स फॉर वर्ल्ड पीस एंड गुडविल, थर्ड अवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, फोर्थ ग्रीन कलर स्टैंड फॉर फर्टिलिटी, इसको कट कर देना है ए को, ग्रोथ एंड सब्सटेंसिएशन, फिफ्थ इट इज इंस्क्राइब्ड इन द देवनागिरी स्क्रिप्ट एट द बेस ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जितने भी आंसर से आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं उसमें आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है, लिखना है, ठीक है, ये जितने भी आंसर्स आज हमने एक्सरसाइज देखी, थैंक यू।